coming, Ashish Tiwari. I don't know Ashish. You don't know? Who is Ashish Tiwari? He said, okay, maybe face to face event. Ujjam, I'm good to see you and you have came here to support. How are you? I'm good, ma'am. How are you? Very good. And ma'am, you are here to support sir. So yes. Tell us something about sir and his celebrity second in. So he styled my hair yesterday and everybody went like, wow. मेरा हस्बैंड भी सेड वाओ मतलब ही इज आई एम गोइंग टू ऑलवेज गो टू हिम नाउ और पता नहीं क्यों इतने लेट मिले हम है ना जस्ट इज आल्सो गोइंग टू गो टू हिम मेरे लेयर्स देख के जस्ट इज लाइक मैं भी वहां जाऊंगा सो एंड इट्स द सेकंड एनिवर्सरी सो व्हाट डू वांट टू से यस आई वांट टू विश हिम लॉट्स ऑफ सक्सेस क्योंकि ऐसे लोग जो अपने काम के बारे में दीवाने हैं बहुत कम होते हैं एंड आई टोल्ड हिम दैट आल्सो देयर इज नो स्टॉपिंग नाउ बिकॉज़ वो अपने आर्ट को लेकर अपने हेयर स्टाइलिंग को लेकर इतने पैशनेट हैं वो दिखता है जब वो स्टाइल कर रहे होते हैं बाल सो थैंक यू सो व्हाट डू वांट टू से मैम जस्ट आई डोंट हैव एनीथिंग टू से राइट नाउ आई एम जस्ट ब्लाइंड कंप्लीटली व्हाई आर यू ब्लाइंड यू आर कमिंग अप विद सो मच मोर एक्साइटिंग थिंग्स एक्चुअली जस्ट अ स्टार्टअप फॉर मी सो लेट्स सी लुकिंग फॉरवर्ड व्हाट प्रोजेक्ट यू आर डूइंग व्हाट प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एम डूइंग ससुराल गेंदा फूल स्टार भारत पे प्लीज़ देखिए आप एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सीजन टू दैट इज़ कम बैक 10 साल के बाद सो बस मज़ा आ रहा है टीम के साथ जी ज़रूर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड है समीर की जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है एक छोटे से टाउन से बॉम्बे आना और सेटल होना बहुत बड़ी बात है तो आपको क्या फील हो रहा है क्या उनको विश करना चाहेंगे आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी स्मॉल टाउन से हूँ मैं ही नहीं जस भी स्मॉल टाउन से है और हम दोनों ही स्मॉल टाउन से मुंबई आए हैं सपनों को जीतने एंड अलग ही इसमें नशा होता है व्हेन यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं दे रिमाइंड मी मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी उसके बारे में मुझे सब चीज़ें याद आती हैं और मैं यही बोलूँगी कि ये फायर हमेशा ज़िंदा रखना बिकॉज बहुत मुश्किलें आती हैं आगे जो इस फायर को डिम करती हैं उसको डिम मत होने देना शूट इज़ गोइंग ग्रेट मज़ा आ रहा है पुरानी टीम है पुराना स्टार कास्ट है तो बहुत मज़ा आता है रोज़ सेट पे ऐसे मतलब हम लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यू आर शूटिंग क्योंकि सब फैमिली एटमॉस्फेयर है सो या इट्स अ लॉट ऑफ फन बस टीआरपीज में भी वो फन दिखे तो मज़ा आ जाए और लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री लोग टाइम निकालते हैं आपके लिए आए कैसा फील कर रहा है आई फील सो ग्रेट एंड लकी और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है नहीं वो जैसी एनर्जीज हैं आपकी उस हिसाब से लोग आपको प्यार करते हैं ना लुकिंग फॉरवर्ड थैंक यू सो मच Thank you guys. Have a good evening, yeah. All of you. दिख रहा है कि हम उससे देख कर बात कर रहे हैं ओके सो सर इज सेलिब्रेटिंग सेकंड एनिवर्सरी व्हाट डू वांट टू सी अबाउट द सर हाउ यू वांट टू बी मैं समीर को बेस्ट विशेस देना चाहती हूं कि उनका सैलून इतना अच्छा चल रहा है और ये सेकंड एनिवर्सरी है उनकी और भगवान करे बहुत अच्छा चले बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के ये हेयर कट हेयर कलर उनका उनको मेकओवर दे और उनकी लाइफ चेंज करे उनकी पर्सनालिटी चेंज करे हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला और एक्चुअली थैंक्स टू ऑल द सेलिब्रिटीज हु इज कमिंग हेयर टुडे इट इज़ लाइक वेरी स्पेशल डे फॉर मी एंड वेरी स्पेशल मोमेंट बिकॉज दिस इज माई सेकेंड एनिवर्सरी और लॉकडाउन में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है तो अचीवमेंट सेलिब्रेशन सर की जर्नी की बात करूँ तो काफ़ी डाउन से उन्होंने अप्लाई नाउ देर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज कमिंग एंड हैविंग अ हेयर स्टाइल फ्रॉम हिम
उसके बारे में क्या कुछ कहना है सेकंड एनिवर्सरी? मैं बोलूँगी कि टैलेंटेड है, बहुत ही क्रिएटिव है, क्योंकि मैंने खुद अपने हेयर करवाए, इन्होंने मुझे मेकओवर दिया है. सो मैंने देखा कि कितने ईजिली इन्होंने, और मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा आपको जो सही लगे आप वो करिए. सो आई रियली ट्रस्ट है, मुझे इनकी सेंसिबिलिटीज़ बहुत पसंद है, और ये टैलेंटेड है इसीलिए नीचे से ऊपर आया है. तो अगर नहीं तो इतने सारे लोग हैं हमारे बॉम्बे में, बट बहुत कम लोग ही फेमस होते हैं, और सेलिब्रिटीज़ जा रहे, इतने सारे लोग उनके सैलून आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई तो बात है ना समीर. तो ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी क्रिएटिव. सामने देखिएगा प्लीज. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के लिए? आशीष भाई देख रहे हैं ना समीर, इज ए सक्सेस स्टोरी. आई विश हिम ऑल सक्सेस. ही इज अ गुड ह्यूमन बींग, ए जेंटलमैन, एंड टू यंग टू बी स्टार, बट ही इज सो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सर से मिलके बहुत खुशी हुई, और हम लोग अभी फर्स्ट इंडिया करके कुछ बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं. हाँ, सो वेट फॉर द सरप्राइज. हम लोग बहुत सारी प्लानिंग में लगे हुए हैं, जिसमें कि फैशन शो, फैशन मैगजीन, न्यूज़पेपर्स एंड सम अदर प्रोडक्ट्स एज वेल. तो हम लोग ये सारी वी विल जॉइंटली प्रमोट टैलेंट इन फैशन इन मुंबई. थैंक यू सर. तो हम लोग की प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, तो अभी देखते हैं, अभी स्टार्टिंग है. फर्स्ट इंडिया से बहुत सारी उम्मीद है, और आगे बढ़ते रहेंगे. आशीष भाई हैं साथ में. सर आपसे कहना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक तो बहुत किस्मत की बात है, बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि सर इस धरती पर आए हैं समीर जैसे यंग टैलेंट को आशीर्वाद देने के लिए. नाजुक हैं हमारे साथ, इतनी यंग टैलेंट हैं, बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, और सर का यहाँ पाँव पड़ना ही हम लोग के लिए काफ़ी है. और मैगजीन्स जैसे कि समीर बता रहे हैं, कैलेंडर्स, पब्लिकेशंस, YouTube चैनल्स, Facebook, सब कुछ, और न्यूज़ चैनल सब कुछ यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट इंडिया थोड़े दिन में, आप देखेंगे फिर. सर अपनी पावर पैक टीम है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? भाई हम लोग फैशन न्यूज़पेपर लॉन्च करने की बात है, शायद 1 अप्रैल से लॉन्च हो जाए वो, और शहर में जितने फैशन इवेंट्स इनको प्रमोट करने की बात है, कैलेंडर्स को आगे बढ़ाने की बात है, यंग टैलेंट मॉडलिंग इसको आगे बढ़ाने की बात है. Sky is the limit. We'll work together basically to promote talent in Mumbai. Sir, lastly, पूरा जयपुर राजस्थान आपके नाम से पहचाना जाता है, अब आप मुंबई में भी इंटर हो गए, तो क्या कुछ बहुत बड़ा मुंबई में देखने को मिलेगा फर्स्ट इंडिया की तरफ से? You see, Mumbai is some sort of a extension of Rajasthan also. Lot of people from Rajasthan make business in Mumbai. Now, all of us will work together. Come. And we'll... Another talented... Come. We'll inspire Mumbai Walas to invest in Rajasthan, and we'll ask Rajasthan to invest in Mumbai. So we'll work as a joint culture, and we'll work as a team. Yes, Samir. Definitely. Best Thank of you. luck. Charul ji, aaiye, aaiye aap. Hi, how are you? Hi, everyone. Hi, kaise hai sir? Yeah, sure. समीर इज अ डियर फ्रेंड, एंड समीर कुछ भी बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, और हम वहाँ ना हो ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. एंड इज अ डियर फ्रेंड, ये आप मेरे हेयर देख रहे हैं, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक एंकर जर्नलिस्ट से एक्टिंग में, उसमें कंट्रीब्यूशन समीर का बहुत ज़्यादा है. और समीर बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा स्टाइल करते हैं, अपने बीट के ये महारथी हैं,
एंड आई थिंक वर्ड्स कम पड़ जाएंगे बोलते बोलते, हालांकि एक एंकर हूँ मैं और अब एक एक्ट्रेस भी हूँ तो वर्ड्स की कमी मेरे पास कभी नहीं रहती है, बट समीर के लिए जितना कहा जाए उतना कम है एंड ही इज अ रॉक स्टार. थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द वे. शूट से आ रहा हूँ आप? मैं नायगांव से आ रही हूँ. नायगांव से? मेरा भाभी जी घर पर है. मैं आज बड़ा अच्छा सीक्वेंस था, फैमिली पूरा शूट था, पार्टी सीन था, सारे एक्टर्स थे तो हम लोग सुबह से वहाँ पर थे. एक बार लगा कि शायद लेट ना हो जाऊँ नायगांव में. आपको पता है ना नायगांव कैसा है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना आप ट्रैफिक. तो फाउंटेन वॉज प्रिटी बैड एज ऑलवेज एंड बट मुझे था मुझे आना है तो आना है. फटाफट चेंज किया, भाग के मैं यहाँ पर आई हूँ. And the kind of love you are getting being an actor and then switch to actor, what love you are getting, what do you want to say about the fans? Especially मैं आप लोगों का थैंक यू बोलूँगी क्योंकि पहले मैं आपकी जगह खड़ी होती थी, मेरी टीम रहती थी, मैं खुद रहती थी तो मुझे बड़ा अच्छी वाली फीलिंग होती. मेरा हाथ बार बार ऐसे जा रहा है पकड़ लूँ मैं माइक, क्योंकि मुझे माइक बूम पकड़ने की आदत रही है. तो अब आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, आप लोगों की सपोर्ट है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू समीर फॉर कॉलिंग अस हियर एंड बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं एक नई फील्ड में आ गई हूँ क्योंकि इट्स अ सीमलेस वर्ड, आपको पता होगा मीडिया में, मतलब सीमलेस, इट्स अ सीमलेस स्विच क्योंकि मैं पहले भी एक्टिंग ही कर रही थी मेरे शो में और बस अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं. तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो वेरी मच. हाउ आर यू मिसिंग योर शो? आई एम मिसिंग माई शो अ लॉट बट मुझे लगता है इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को यू नो ग्रेजुएट करते रहना चाहिए हर जगह हर स्टेप पर. सो ऑफकोर्स मैं मिस करती हूँ मेरे न्यूज़ के दिन, बट पहले हम न्यूज़ बनाते थे सबके, अब हम न्यूज़ बन गए हैं तो ये एक अलग फीलिंग ऑल टुगेदर है. थैंक यू, थैंक यू. I cannot hear you, sir. What do you want to say, sir, is celebrating second anniversary? What do you want to say about it? My best wishes from my entire Amethyst team and may he keep growing like this. May he, God blessing you. So what do you want to say, sir, has came here to support you? थैंक यू सो मच. बेसिकली लाइक Amethyst के साथ में हमने काफ़ी टाइम से प्लानिंग किया हुआ था और फैज़ान की वजह से हम यहाँ पर हैं क्योंकि फैज़ान ने काफ़ी सपोर्ट किया और फाइनली आज इनसे मिल भी लिए. सो इट इज़ लाइक द बोथ द वे, दे'ल कीप सपोर्टिंग अस, वी'ल कीप सपोर्टिंग देम एंड वी बोथ विल गो लॉन्गर. सो अभी Amethyst वन ऑफ द बेस्ट क्लब मुंबई का जाना जा रहा है, ऑलरेडी काफ़ी खर्चे न्यूज चल रही है ऑलरेडी, अभी क्या इसके फ्यूचर प्लान्स को लेके हैं और क्या करने वाले हैं सर? डेफिनेटली माई टीम इज़ बिन वर्किंग रियली हार्ड, सिर्फ नाइट लाइफ में नहीं बट हमने सोशली भी कोविड टाइम्स में भी लोगों की बहुत हेल्प की है. तो बाय गॉड्स ग्रेस वी आर एक्सपांडिंग इन मल्टीपल सिटीज़. गोवा हमारा प्लान है, दुबई हमारा चल ही रहा है. सो आई विल सून रिवील ऑल द प्लान्स एंड द डेट्स एज वेल एंड वी विल कॉल यू एज वेल फॉर द ओपनिंग्स. थैंक यू, थैंक यू. Big congratulations, a very very hard working guy and very friendly and obviously I would love to support such people, you know, jo apne balbute pe aage badhte hain, he's one of them. So very very proud of him and definitely congratulations on you. Thank you.
sir, what do you want to say? Ma'am is here. How you feeling it? Thank you so much, Ada. Itni busy hai ye aajkal, kafi zyada matlab time hai. टाइम ही नहीं है और मेरे लिए आज टाइम निकाला है. सो आई रियली थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू. लविंग वेरी स्वीट टू ईच अदर. या आई नो ही इज आस्किंग समथिंग. मैम व्हाट डू यू वांट टू से? आई वांट टू से कि मैं समीर से अदा की वजह से मिली हूँ क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी की बात कर देखिए. तो हम खतरों के खिलाड़ी के बाद वापस आए थे और अदा ने मुझे बताया था यू हैव टू गो टू समीर. आई लव दैट ही इज अमेजिंग विद हिज वर्क एंड इज वेरी क्विक. क्योंकि जो लड़कियों को लोग बहुत समय तक बिठा कर रखते हैं वो जल्दी खत्म कर देते हैं बाल सब. तो टुडे ऑल्सो वी आर कर्सी है. क्या कहूँ समीर के लिए इतने टैलेंटेड हैं और अपने दम पे बॉम्बे आए थे फर्स्ट कोई जानता नहीं था और आज इतने छोटे होम टाउन से आके इतनी तरक्की करना ये बहुत बड़ी बात है. तो नो गॉड फादर नथिंग. सो मैं बहुत खुश हूँ समीर के लिए. एंड मैम नागिन इज ऑल्सो अप एंड द काइंड ऑफ फर्स्ट जिस तरह का चर्चा हो रही है नागिन को उसके लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मैम? यार नागिन हमेशा से चर्चों में रहता है सीजन वन से ऑलवेज. सो अभी भी हो रहा है नागिन सिक्स के लिए. आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ तेजा दैट यू नो शी इज प्लेइंग नागिन. एंड यू ऑलवेज सपोर्टेड तेजा मैम एंड मैम आल्सो वॉन बिग बॉस सिक्स. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. वेरी वेरी हैप्पी. इन फैक्ट वी बोथ वर डिस्कसिंग हमारी तेजा ही जीतेगी बिकॉज ऑफकोर्स हमने साथ में खतरों किया है. So hum we are like good friends so obviously very very happy moment for me. And ma'am is also there in Nagin. So what do you want to say? Very happy for Tejasvi. Very very happy for her. Sir aap kuch kehna chahoge? Bahut bada din aapke liye. Mere liye to main actually mere paas kuch bolne ke liye hai nahi. Bahut chote gaon se start ki thi ye journey aur jab Mumbai aaya tha to fir कभी सोचा नहीं था कि मैं आज यहाँ तक आ पहुँचूँगा. बट अभी भी ये स्टार्टिंग है. अभी भी सोच रहा हूँ कि आगे जाके और कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है. सलोन्स ब्रांचेस करनी है पूरे इंडिया में. ये अभी फिलहाल ड्रीम है क्योंकि दो साल बहुत सक्सेसफुली निकले हैं समीर सलमानी डीआरटी सलोन के. और प्लानिंग है कि अभी बहुत सारी ब्रांचेस हों. हम लोग इंटरनेशनल प्लानिंग कर रहे हैं. दुबई में प्लानिंग कर रहे हैं ओपन करने की. सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो समीर को हमेशा से विश कर रहा हूँ. समीर ने काम ही ऐसे किए हैं और अभी तक ऑल द बेस्ट ऑलवेज समीर के लिए. इतना हार्ड वर्किंग है और अभी बहुत ग्रोथ कर रहा है सब देख ही रहे हैं बॉम्बे में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.